वेलकम बैक ऑन टेक्निकल जाइफ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, सो गाइस आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ LSI कीवर्ड्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ब्लॉगर हैं, आपने ऑलरेडी ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर दिया है पर आपके आर्टिकल्स जो है रैंक नहीं कर रहे हैं, आपको रैंकिंग में काफी दुविधा का सामना, काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, या फिर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में अगर आप ब्लॉगर हैं, आपके आर्टिकल्स रैंक नहीं कर रहे हैं, या फिर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं फ्यूचर में, तो दोनों ही केसेस में आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको LSI कीवर्ड्स के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी बजा लीजिए ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जी हाँ दोस्तों, सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस LSI कीवर्ड्स, सबसे पहले तो मैं आपको LSI कीवर्ड्स की फुल फॉर्म बता देता हूँ, लैटिन सेमेंटिक इंडेक्सिंग। जी हाँ दोस्तों, LSI कीवर्ड्स आपको देख लीजिए, बहुत ही सिंपल वे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, किसी भी टूल्स की मदद से नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली गूगल पर ले जाके बताऊंगा कि LSI कीवर्ड्स क्या होते हैं और किस तरीके से आप LSI कीवर्ड्स को अपने आर्टिकल में कवर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, LSI कीवर्ड्स होते हैं आपके टारगेट कीवर्ड्स से मिलते जुलते कीवर्ड्स। यानी कि देख लीजिए, अगर कोई भी पर्सन सर्च कर रहा है व्हाट इज SEO, जी हाँ दोस्तों, तो SEO से मिलता जुलता कीवर्ड्स क्या होगा, व्हाट इज SEO इन हिंदी। यस गाइस, बट आपको आइडिया नहीं लेना है अपने दिमाग से, आपको आइडिया गूगल से ही लेना है, क्योंकि गूगल वही सर्चेस दिखाता है जो यूजर्स सर्च कर रहे हैं, और आपको बेटर रैंकिंग के लिए उन्हीं ही LSI कीवर्ड्स को अपने आर्टिकल में पुट करना है, अपने कंटेंट में डालना है। यस दोस्तों, जिन्हें यूजर सर्च कर रहे हैं तभी तो आपका आर्टिकल रैंक करेगा। जी हाँ दोस्तों, सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करने के लिए और समझने के लिए डिटेल में हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलिए चलते हैं। तो सिंपली गाइस देखिए, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और चलिए जानते हैं कि आप किस तरीके से LSI कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए, ताकि आप बेटर रैंक कर सके और मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर सके। जी हाँ दोस्तों, तो सिंपली आपको यहाँ पे अपने ब्राउज़र में आ जाना है गूगल में। तो मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हम सर्च करते हैं व्हाट इज सेकंड व्हाट इज SEO। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हमने कीवर्ड डाला है व्हाट इज SEO। अब इसी के सिमिलर कीवर्ड्स आप नीचे देख सकते हैं, व्हाट इज SEO इन डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज SEO इन हिंदी, व्हाट इज SEO कंटेंट राइटिंग, व्हाट इज SEO एंड हाउ इट इज वर्क, व्हाट इज SEO राइटिंग, व्हाट इज SEO मार्केटिंग, व्हाट इज SEO ऑडिट। तो गाइस इतने सारे कीवर्ड्स हमें मिल गए हैं जिन्हें लोग व्हाट इज SEO के साथ साथ सर्च कर रहे हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर व्हाट इज SEO को डन करते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन ओपन होगी। जी हाँ दोस्तों, जिसमें सबसे ऊपर हमें मोज वेबसाइट दिख रही है। तो गाइस यहाँ पे देखिए, मैंने कीवर्ड फाइंडर जो है वो इंस्टॉल कर रखा है, आप चाहें तो कर सकते हैं कीवर्ड्स एवरीवेयर। जी हाँ दोस्तों, ये भी अच्छा है, पे आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में, ताकि आपको आइडिया हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ही हमें आइडिया हो गया है। अगर आपके पास कीवर्ड एवरीवेयर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ नीचे आइए। तो देखिए गाइस, रिलेटेड सर्चेस आप देख सकते हैं, इन्हें ही हम LSI कीवर्ड्स कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्हाट इज SEO इन हिंदी, व्हाट इज SEO टूल्स, आप देखिए इतने सारी चीज़ों को एक ही आर्टिकल में कवर कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो है इतने सारे कीवर्ड्स को आप एक ही आर्टिकल में कवर कर सकते हैं, जिससे कि आपका कीवर्ड जो है, आपका आर्टिकल जो है वो इस कीवर्ड के साथ साथ भी इन कीवर्ड्स पर भी रैंक करेगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं व्हाट इज SEO इन डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू डू SEO, टाइप्स ऑफ SEO, व्हाट इज SEO राइटिंग, SEO मीनिंग, सारे कीवर्ड्स आप देख सकते हैं गाइज, मिलते जुलते हैं, कोई भी कीवर्ड्स एकदम आउट नहीं जाता हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो आप इजीली इन्हें जो है अपने आर्टिकल में कवर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इट्स वन ऑफ द बेस्ट वे है किसी भी वेबसाइट को रैंक करने का फास्ट। जी हाँ दोस्तों, स्पेशली ऑन गूगल। तो सिंपली गाइज हम यहाँ पर दूसरा कीवर्ड डाल के देखते हैं।
तो सिंपली मैं इसे हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हमने डाला था इंग्लिश कीवर्ड। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको हिंदी कीवर्ड यहाँ पर डाल के दिखाऊंगा, एक बेस्ट बिरयानी बेस्ट चिकन बिरयानी कर देते हैं गाइस। बिरयानी अब आप देख सकते हैं गाइस नीचे, बेस्ट चिकन बिरयानी इन जयपुर नियर मी उदयपुर अजमेर। तो सिंपली हम यहाँ से इसको एंटर करते हैं पहले तो सिंपली गाइस आप देख सकते हैं ये भी एक कीवर्ड है। अगर आप फूडी ब्लॉगर हैं और आप लिखते हैं फूड के ऊपर, तो गाइस आप इन सब कीवर्ड्स को भी देखिए कवर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिंपली देखिए इतने सारी कीवर्ड्स आ गए हैं हमारे पास LSI कीवर्ड। तो देखिए गाइस, बेस्ट चिकन बिरयानी इन जयपुर हैदराबादी चिकन बिरयानी रेसिपी। सो गाइस बिरयानी के साथ साथ देखिए आप इन कीवर्ड्स को भी LSI कीवर्ड्स के रूप में अपने ब्लॉग आर्टिकल में इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तानी चिकन बिरयानी रेसिपी, अमान बिरयानी जयपुर। ये गाइस काफ़ी फेमस बिरयानी डेस्टिनेशन है जयपुर के अंदर। अगर आप कभी जयपुर में आओ तो एक बार इस होटल पर ज़रूर विज़िट करिएगा। चिकन दम बिरयानी रेसिपी, ऑथेंटिक चिकन बिरयानी रेसिपी, चिकन बिरयानी नियर मी चिकन बिरयानी वीडियो। सिंपली गाइस और नीचे करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए गाइस, बेस्ट चिकन बिरयानी इन जयपुर हैदराबादी चिकन बिरयानी रेसिपी, पाकिस्तानी चिकन बिरयानी रेसिपी, अमान बिरयानी जयपुर, चिकन दम बिरयानी रेसिपी। तो गाइस ये सब जो होते हैं ये LSI कीवर्ड्स ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं रिलेटेड सर्चेस बिरयानी कीवर्ड्स के साथ साथ ये सब सर्चेस हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप सिंपली देखिए इन कीवर्ड्स के साथ साथ इन कीवर्ड्स को भी LSI कीवर्ड्स को भी कवर कर सकते हैं अपने आर्टिकल में। इसी तरीके से देखिए मैं दूसरा कीवर्ड ले लेता हूँ एक और बार, व्हाट इज ऑन पेज SEO, ठीक है, देन एंटर। ऑन पेज SEO क्या है? तो सिंपली देखिए इसी के रिलेटेड कीवर्ड्स जो हैं LSI कीवर्ड्स जो हैं हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए व्हाट इज ऑफ पेज SEO, व्हाट इज ऑफ पेज SEO इन हिंदी, व्हाट इज SEO, ऑफ पेज SEO टेक्निक्स, ऑन पेज SEO चेकलिस्ट, ऑन पेज SEO फैक्टर्स, ऑन पेज SEO टेक्निक्स, ऑन पेज SEO ट्यूटोरियल। सिंपली ये सब जो है गाइस LSI कीवर्ड्स के रूप में जाने जाते हैं, जो कि आपके आर्टिकल को आपके टारगेट कीवर्ड के साथ साथ इन कीवर्ड्स पर भी रैंक करने में मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका आर्टिकल जो है इन आपके टारगेट कीवर्ड के साथ साथ, मान लीजिए कि आपका टारगेट कीवर्ड है व्हाट इज दिस ऑन पेज SEO, तो इसके साथ साथ आपका आर्टिकल जो है इन कीवर्ड्स पर भी रैंक करेगा। जी हाँ दोस्तों, सिंपली गाइज यही आज का हमारा वीडियो था। और आप जान सो गाइज उम्मीद करता हूँ वीडियो को देखने के बाद आप जान गए होंगे कि LSI कीवर्ड्स किसे कहते हैं और LSI कीवर्ड्स को आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं अपने टारगेट कीवर्ड के अकॉर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, सो गाइज यही बेस्ट तरीका है गूगल से LSI कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने का। जी हाँ दोस्तों, गूगल वही क्वेरीज आपको दिखाता है जो यूजर द्वारा सर्च की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, और उन्हीं आर्टिकल्स को टॉप रैंकिंग में लेके आता है, यानी कि रैंक कराता है टॉप में, जिनमें LSI कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, सो आप भी जब भी आर्टिकल लिखें अपने आर्टिकल अपने ब्लॉग में LSI कीवर्ड्स का इस्तेमाल जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, तो दोनों ही केसेस में अगर आप हिंदी ब्लॉगर हैं या फिर इंग्लिश ब्लॉगर हैं, तो दोनों ही केसेस में मैटर सेम ही है LSI कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने का, जिस तरीके से मैंने आज आपको बताया है। इसके बावजूद भी अगर आपकी कुछ क्वायरीज है, कुछ क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज योर्स, आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का बेहतर तरीके से रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर विजिटिंग माय चैनल एंड वॉचिंग द वीडियो।